साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन अब जो है बात करें 14वीं किस्त का पैसा जो था वो 27 जुलाई को जारी किया गया था, लेकिन काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक 14वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले हैं। तो उनको कौन सा काम करना होगा जिसके तहत जो है उनको अभी भी जो है 14वीं किस्त का पैसा मिल सकता है। साथ ही अगली किस्त यानी कि 15वीं किस्त की भी ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो जी हाँ साथियों, आपको बता दें पीएम किसान योजना 3 दिन बाद भी खाते में नहीं पहुँचे 2000 रुपये तो तुरंत करें ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई को जारी हो चुकी है। हालांकि कई किसान शिकायत कर रहे हैं कि वो लाभार्थी सूची में नाम होने के बावजूद भी उनके बैंक खाते में 2000 रुपये नहीं पहुँचे हैं। तो ऐसे में आप किस तरीके से जो है इस स्थिति से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कैसे जो है आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करने के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त गुरुवार को प्रातः 11 बजे राजस्थान के सीकर जिले से माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में भेज दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं और ये राशि जो है 4 माह के अंतराल में 3 किस्तों में 2000 रुपये के रूप में उनके किसानों में भेजी जाती है। अब तक की हम बात करें तो किसानों को इससे पहले जो है 13 किस्तें मिल चुकी थी और अब ये किस्त जारी करने के बाद किसानों को अब कुल 14 किस्तें मिल चुकी है। लंबे समय से जो 14वीं किस्त का इंतजार था वो किसानों का समाप्त हो चुका है। तो काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो किस वजह से नहीं मिला है, भूलेखों के सत्यापन के चलते किस्त में काफ़ी देरी हुई थी। दरअसल अवैध तरीके से यानी कि गलत तरीके से जो इसका लाभ उठा रहे थे, ऐसे मामले काफ़ी ज़्यादा सरकार के सामने आ रहे थे, तो सरकार ने उन पर सावधानी बरतते हुए उनको जो है इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है। अब हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप बेनिफिशियरी स्टेटस में जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ डिटेल दिखाई देगी, जैसे EKYC आपका यस है नहीं है, आधार सेटिंग आपका यस है नहीं है, आपका बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर इनमें से किसी पर भी अगर आपको नो दिखाई देता है तो इसका मतलब आपका जो है वहाँ पर गलती है, वहाँ पर त्रुटि है, उसको आप जल्द से जल्द ठीक कराएंगे तब जाके आपके अकाउंट में 2000 रुपये की 14वीं किस्त का पैसा पहुंचेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है सरकार द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके ऊपर आप संपर्क करके अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त भेज दी गई है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के योग्य लाभार्थी हैं और अगर आपके खाते में 14वीं किस्त का पैसा नहीं पहुँचा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान या चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि किस्त नहीं आने पर आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करके जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त या जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही ये एक और लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं, साथ ही जीमेल आईडी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है pmkisan@gov.in। हेल्पलाइन नंबर है 1552261, टोल फ्री नंबर है 1800111526। इसके अलावा संपर्क नंबर है 0112338109। तो इनके पर संपर्क करके आप समाधान करा सकते हैं। फिर भी अगर आपका समाधान नहीं होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो भी समस्या आ रही है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो उस प्रॉब्लम का उसका समाधान जो है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और पास में बेल घंटे के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। मिलेंगे जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।